हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष ओगले और आज हमारी बात होने वाली है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। हम आज बात करने वाले हैं अबाउट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन। स्पेशली ये जो सब्जेक्ट है दैट इज जस्ट स्टार्टेड अराउंड इन 1987, 1987 में शुरू हुआ लगभग। एक्चुअली इट स्पेंट अराउंड 150 ईयर्स ऑफ इट्स एक्चुअली स्टार्ट और द बिगिनिंग, यानी कि इसके प्रारंभ की भी बात करते हैं तो लगभग 150 वर्ष पूर्व हुए हैं। तो एक्चुअली हम यहां पर आज बात करने वाले हैं इस नए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के भाग पर, जिसमें स्पेशली हमारे डिस्कशन होने वाला है आज अबाउट द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लोक प्रशासन का अर्थ। मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली इट इज द बायलिंगुअल क्लासेस यानी कि द्विभाषी कक्षा है, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही साथ साथ लेकर के हम चल सकते हैं। और प्लीज फटाफट एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि फिर एक बार और आप लोगों को बता देता हूं कि एक्चुअली इजीली एग्जाम क्रैक, बेसिकली वेलकम यू ऑल ऑन द इजीली एग्जाम क्रैक इस चैनल के ऊपर। और प्लीज फटाफट जितने जल्दी हो सके इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके एक्चुअली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और शुरुआत कीजिएगा मेरे साथ में यानी कि आशीष ओगले के साथ में इजीली एग्जाम क्रैक में। आप एक्चुअली एक नए सेशन को कंटिन्यू करते हैं हम लोग और शुरू कीजिएगा एक जबरदस्त एक्चुअली इजीली एग्जाम क्रैक के कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंडिंग को। शुरू करते हैं और बात करता हूं मैं आपके सामने। सो बेसिकली वी डिस्कस स्टार्ट्स ओके अबाउट द मीनिंग ऑफ द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन शब्द के अर्थ पर बात करेंगे। सो बेसिकली एज आई एक्सप्लेन यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि हम बात करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करते हैं जिसे मैंने कहा लोक प्रशासन। तो इस लोक प्रशासन में स्पेशली वन बाय वन वी ट्राइंग टू डू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर कंटेंट यानी कि एक एक करके हम यहां पर इस अगर हम कहें तो कंटेंट को शब्दावली को समझने का प्रयास करेंगे तो मैं एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का तात्पर्य क्या है यानी कि प्रशासन का तात्पर्य क्या है, और उसके बाद में एक्चुअली हम बात करेंगे टोटल कंप्लीटली अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पूर्णतः लोक प्रशासन से क्या तात्पर्य है। शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारी बात होती है द मीनिंग ऑफ द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन शब्द का अर्थ। So basically here a very simplest thing actually we see in English word the administer is derived from the combination of the two Latin words that is ad plus ministrare meaning to serve and to manage। अंग्रेजी के administer शब्द को लैटिन भाषा के दो शब्दों से लेकर बनाया गया है जिसमें से एक है ad और दूसरा है ministrare जिसका तात्पर्य होता है सेवा करना या प्रबंध करना। सो बेसिकली अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की बात करता हूं यानी कि प्रशासन के शब्द की बात करता हूं सो इट्स मीनिंग वेरी सिंपल यानी कि इसका साधारण सा शब्द होता है टू सर्व यानी कि सेवा प्रदान करना और टू मैनेज यानी कि सभी प्रकार के क्रियाकलापों का प्रबंधन करना और एक्चुअली टू मैनेज ऑल काइंड्स ऑफ द एक्टिविटीज। सो बेसिकली वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन कहां है, सो एवरीवेयर इज द प्रशासन यानी कि हर जगह पर एडमिनिस्ट्रेशन है। सो हाउ इज दैट, लेट्स सी हियर। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज स्कॉलर्स हैं, कुछ विद्वान हैं जिन्होंने इस एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम एक्चुअली उनके वर्ड्स में उनके शब्दों में इसे समझने का प्रयास करते हैं और फिर एक्चुअली मैं आप लोगों को उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हीं के डायरेक्शन में उन्हीं के अनुसार उन्हीं के निर्देश के अनुसार हम यहां पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स सी हियर। सो अकॉर्डिंग टू द ईएन ग्लैडन इज अ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आगे जाकर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कई बार एक्चुअली इनके नाम हमारे पास में आते हैं। सो इन्होंने परिभाषित किया है, वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अ लॉन्ग एंड स्लाइटली पंपस वर्ड बट इट हैज हम्बल मीनिंग फॉर इट मीन्स टू केयर फॉर और लुक आफ्टर द पीपल टू मैनेज द अफेयर्स इन द डिटरमाइनिंग ओके एक्शन टेकन इन परस्यूट ऑफ द कॉन्शियस पर्पस ओके। ईएन ग्लेडन के अनुसार हिंदी में सुनेगा तो प्रशासन एक लंबा और आर्डरपूर्ण शब्द है किंतु इसका सीधा सा अर्थ और मामलों का प्रबंधन करना, लोगों की भी देखभाल करना और उनका ध्यान रखना, यह एक चेतनपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया सुनिश्चित कार्य है। सो बेसिकली यहां पर ईएन ग्लेडन बड़ा क्लियरली बात करते हैं कि एक्चुअली देखो बोलने में तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली काफी लंबा और काफी आडंबरपूर्ण यानी कि साइटली पंपस वर्ड है, लेकिन अगर हम कहें तो सीधा साधा इसका मीनिंग होता है काफी कुछ घुमाने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स टू सर्व एंड अगेन टू मैनेज द थिंग्स इन कोर्स ऑफ अकम्प्लिश द गोल यानी कि अपने अगर हम कहें तो उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किसी की सेवा करना या उनका प्रबंधन करना ही वास्तव में क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि प्रशासन होता है। बट एक्चुअली ही इज द नॉट ओनली द स्कॉलर के अकेले विद्वान नहीं है जिन्होंने इस प्रकार से इसे परिभाषित किया है। लेट सी हियर, आई एम जस्ट गोइंग ऑन एंड कंटिन्यू ऑन द अर्थ यानी कि हम बात करते हैं कि प्रशासन के अर्थ पर ओके। ईएन ग्लेडन के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दैट इज फेलिक्स ए नीग्रो ओके। फेलिक्स ए नीग्रो क्या कहते हैं, उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज
द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ मेन मटेरियल टू अकम्प्लिश अ गोल और द पर्पस, यानी कि प्रशासन किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मानवों और सामग्रियों का उपयोग और संगठन करना होता है। सो बेसिकली बहुत सिंपल है, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूं तो फेलिक्स एनिग्रो ने फिर एक बार वो कहा द यूज ऑफ मैन एंड मटेरियल, यानी कि मानव और सामग्रियों का उपयोग करना और एक्चुअली किसी भी प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी एक वस्तु का संगठन बनाना, यानी कि ऑर्गेनाइज करके और एक्चुअली किसी एक गोल को अचीव करना ही क्या कहलाता है, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन कहलाता है। हालांकि एक्चुअली यहां पर इन कोयल के लिए नहीं बातें करेंगे, बल्कि यहां पर कुछ और भी हमारे पास महानुभव है, जस्ट लाइक अकॉर्डिंग टू द हर्बर्ट साइमन। ओके, हर्बर्ट साइमन के अनुसार इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप्स कोऑपरेटिंग टू एकम्प्लिश द कॉमन गोल। साइमन ने कहा है कि अपने व्यापक अर्थ में प्रशासन को सामान्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सहयोग करने वाले एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सो बेसिकली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है, एवरीबडी यानी कि सब लोगों की बात करें, चाहे एक्चुअली यहां पर हम बात करें ईएन ग्लेडन या फिर हम बात करें एक्चुअली निग्रो या फिर हम बात करें यहां पर साइमन की, सभी लोग सिर्फ एक ही बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, एक्चुअली द थ्री वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली थिंग्स आर देयर, यानी कि तीन बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। नंबर वन, एक्चुअली क्या करते हैं, कॉमन गोल, यानी कि एक समान लक्ष्य। दूसरी बात करते हैं एक्चुअली दैट इज व्हाट प्रोवाइडिंग टू द सर्विसेज, यानी कि सेवाएं प्रदान करना। एंड नंबर थ्री, ऑर्गेनाइजिंग इन अ प्रॉपर मैनर, यानी कि सही तरीके से संगठन को तैयार करना। और इन्हीं के माध्यम से एक्चुअली जब हम काम करते हैं, फ्रॉम दिस ऑल एक्चुअली व्हाट द ओके अकम्प्लिशमेंट वी परफॉर्म, दैट इज वी कॉल्ड एज द एडमिनिस्ट्रेशन, उसे ही प्रशासन कहते हैं। ओके, सो बेसिकली यहां पर हम इसको समझ सकते हैं काफी अच्छे तरीके से। सो अकॉर्डिंग टू द एल डी व्हाइट क्या कहते हैं, उनका कहना है द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, coordination and control of the many persons to achieve some purpose or the objectives. L.D. White के अनुसार प्रशासन को कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई व्यक्तियों के निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण करने की एक कला कहा जाता है। So यहां पर क्या हुआ है, L.D. White से actually the administration is an art. ओके, यहां पर एलडी वाइट का कहना है कि प्रशासन एक कला है। सो व्हेरेवर एक्चुअली वी यूज द वर्ड आर्ट, यहां कहीं भी हम कला शब्द की बात करते हैं, इट इज कंसर्न्ड विद द इंडिविजुअल क्वालिटी। ओके, ये अगर हम कहें तो किसी व्यक्ति शह के गुण के साथ संबंध होता है। इट मींस द एडमिनिस्ट्रेशन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ओके ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन की बात करते हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और साथ ही साथ एक संगठन से दूसरे संगठन में अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि किस तरीके से इसका यहां पर उपयोग किया जा रहा है, हम किस तरीके से निर्देश देते हैं, समन्वय करते हैं, नियंत्रण करते हैं, मतलब यहां किस तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कर रहे हैं, दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू हैव द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन को प्राप्त करने के लिए। सो वेरी सिंपल एक्चुअली यहां पर लूथर गुलिक, एक्चुअली ही इज आल्सो वेरी ओके अ वेरी ग्रेट स्कॉलर, यानी कि काफी जबरदस्त और महान महानुभव है, इनके द्वारा भी यहां पर इसको बताने का प्रयास किया गया। उनका कहना है एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन, ओके विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। लूथर गुलिक एक कदम आगे बढ़कर के बात करते हैं कि प्रशासन का कार्य सुनिश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यों को करवाने से है। इट मींस इन एडमिनिस्ट्रेशन दे मोर फोकस टू गेटिंग थिंग्स डन रादर देन टू गेट डन। इज इट क्लियर? मतलब बड़ा साधारण सी बात करते हैं, लूथर गुलिक का कहना है कि प्रशासन का तात्पर्य किसी भी प्रकार के क्रियाकलापों को ओके करवाने से होता है, ना कि करने से होता है। स्पेशली फोकस तो वही है हमारे पास में, क्या करना है, टू अचीव द डिफाइंड गोल, यानी कि सुनिश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना। So, यहां पर हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड इस तरीके से हमारे पास में आता है। अगर मैं इन परिभाषाओं की बात करूं, इफ एक्चुअली वी लुक इनटू दैट पर्टिकुलर ऑल द डेफिनेशंस, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज अ टू एसेंशियल एलिमेंट्स। अगर उपरोक्त परिभाषाओं की बात करते हैं तो प्रशासन के दो आवश्यक तत्व सीधे सीधे हमारे सामने आते हैं, और ये आवश्यक तत्व क्या है, चाहिए, क्या चाहिए, नंबर वन एक्चुअली वी नीड द कंबाइंड एफर्ट्स और द कलेक्टिव एफर्ट्स, यानी कि एक सामूहिक प्रयास, एक संयुक्त प्रयास की आवश्यकता होती है। नंबर टू दैट वी कॉल्ड इज द कॉमन पर्पस, यानी कि समान उद्देश्य। सो प्रशासन की बात करते हैं तो आप इसको इस तरीके से समझ लीजिएगा कि वेन एवर टू और मोर पीपल्स एट ए टाइम विद द कॉमन गोल एक्चुअली गेट टुगेदर, ओके मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक यहां पर विशेष लक्ष्य को रख करके, किसी एक विशेष को लक्ष्य को रख करके अगर किसी एक समूह के रूप में सामान आते हैं तो एक्चुअली व्हाट द एफर्ट्स बाय देम ऑल towards to achieve that common goal given, that we call as the administration. तो उस अगर हम कहें तो एक समान उद्देश्य के लिए,
उस एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोग व्यक्ति मिलकर के जिस विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को करते हैं उसे ही प्रशासन कहा जाता है। दैट इज सो सिंपल एक्चुअली द वी कैन से द मीनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वी कैन हैव, यानी कि यहां पर प्रशासन शब्द का यही एक सामान्य सा अर्थ हमारे पास में आता है। सो दैट्स गुड। सो अगेन एक्चुअली मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, प्लीज अभी तक भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यहां पर इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। ओके, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई एम गोइंग कंटिन्यू, यानी कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। लेट्स सी हियर। ओके, सो द एडमिनिस्ट्रेशन इज a universal process, okay, and occurs in diverse institutional settings. Based on its institutional settings, the administration is divided into the two parts. I am just saying. प्रशासन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और विविध संस्थागत व्यवस्थाओं में व्याप्त होता है। इसकी संस्थागत व्यवस्था के आधार पर प्रशासन को विभाजित किया गया है, विशेष रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। मतलब यहां पर कहा जाता है कि प्रशासन हर कहीं है, जहां दो या दो से अधिक लोग मिल जाते हैं। Wherever the two or more peoples are get together at a time with the common goal, यानी कि एक समान लक्ष्य के साथ में, whatever they do perform, जो कुछ भी वो करते हैं, एक्चुअली इट इज बी कॉल्ड एज द एडमिनिस्ट्रेशन, उसे ही तो हम प्रशासन कहते हैं। तो प्रशासन जो है एक सार्वभौमिक क्रिया है, दैट इज एक्चुअली व्हाट अ यूनिवर्सल प्रोसेस। ओके, लेकिन ये जो यूनिवर्सल प्रोसेस है, इट इज मेनली वी फाउंड ओके गेट कंप्लीट इनटू द टू डिफरेंट सेटिंग्स। वास्तव में इस सार्वभौमिक प्रक्रिया को दो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं में किया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली वी जस्ट कॉल देम एज नंबर वन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन, एंड द अदर वी कॉल्ड एज द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर इसे हम कहते हैं निजी प्रशासन। सो व्हाट इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि निजी प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन क्या है। हालांकि एक्चुअली आगे आने वाले जो नेक्स्ट एक्चुअली हमारे पास में सेशंस होंगे उसके लिए वेट कीजिएगा, वहां एक्चुअली हम यहां पर डिस्कस करेंगे द डिफरेंस एंड द सिमिलैरिटी बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि निजी और लोक प्रशासन में समानता और अंतर पर हमारी बात होगी। लेकिन आज हम पूरी तरीके से फोकस रखेंगे अपने आप को टुवर्ड्स द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए तो मैं कंटिन्यू करता हूं। तो यहां जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बेसिकली वी हैव जस्ट कंप्लीटली अंडरस्टूड टू द मीनिंग ऑफ द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन शब्द के अर्थ को तो हम समझ चुके हैं। लेकिन अब यहां से मैं आगे बढ़ता हूं, वी डिस्कस द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ होल, यानी कि हम बात करेंगे द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ होल, यानी कि पूर्ण सर्वांगीण रूप से लोक प्रशासन शब्द का क्या अर्थ। So, यहां अगर मैं ब्रॉडली कि इफ आई जस्ट ब्रॉडली स्पीकिंग टू यू ऑल, यानी कि मैं विस्तृत रूप से अगर आपको कहूं, सो वर्ड पब्लिक इज व्हाट, यानी कि लोक शब्द कहां पर है। सो कहीं पर भी इफ एनी ऑफ द प्लेसेस द वर्ड पब्लिक इज यूज्ड, अगर किसी भी जगह पर लोक, या फिर हिंदी में हम कह सकते हैं सार्वजनिक। ध्यान रखिएगा, या तो हम यहां पर क्या कहें, लोक, या फिर हिंदी में हम कहें सार्वजनिक, या फिर एक्चुअली अंग्रेजी में हम कहते हैं पब्लिक, दैट स्टैंड्स फॉर द गवर्नमेंट ओनली। इज दैट क्लियर? सो प्लीज नेवर बी फॉरगेट एवर, कभी नहीं भूलना है इसका मतलब होता है सरकार। ओके, जैसे कि अगर मैं कहूं तो बहुत साधारण सी बात, आप लोगों ने कहीं जगह पर पढ़ा होगा सार्वजनिक प्याऊ, या फिर आप कह सकते हैं पब्लिक करियर, सार्वजनिक वाहन। सो व्हाट इज दैट, ये क्या होता है? सार्वजनिक मतलब सरकार का, हर आम आदमी का नहीं है। Exactly, so basically in democratic country, यानी कि लोकतंत्र में सरकार जनता की है तो वो जनता का ही है। लेकिन एक्चुअली वी नीड टू डू अंडरस्टैंड वेल, ओके, आगे जाकर के हम इन पर भी लेकर के आएंगे टॉपिक, एक्चुअली इस पर भी हमारे पास में डिस्कशन होगा। काफी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर हमारा डिस्कशन होने वाला है। एक बात को ध्यान रखिएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारा जो पोर्शन मैं आपको आज की क्लास में दे रहा हूं, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन टू द यूपीएससी, स्पेशली द एमपीपीएससी, या फिर किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं, ऐसे कई एग्जामिनेशन होते हैं, ऐसे कई परीक्षाएं हैं जहां पर लोक प्रशासन के कई ऐसे टॉपिक्स हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। सो दिस एक्चुअली द सेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो प्लीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने नियर और डियर के साथ में, यानी कि अपने निकट संबंधियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। अगेन एक बार और, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दैट इज सो इंपॉर्टेंट, इजीली एग्जाम क्रैक। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। सो वी आर डिस्कसिंग एंड कंटिन्यू मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का अर्थ। देखिएगा प्लीज, व्हाट इज दैट सेज, द पब्लिक रेफर्स टू द गवर्नमेंटल सेटिंग्स, व्हाइल द प्राइवेट रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच ऑपरेट्स इन द नॉन गवर्नमेंटल सेटिंग्स, दैट इज द बिजनेस एंटरप्राइजेस।
वेरी सिंपल एक्चुअली, लोक प्रशासन में लोक शब्द से तात्पर्य सरकार से होता है, जबकि निजी प्रशासन को का अर्थ गैर सरकारी व्यवस्था में संचालित कार्यों से होता है, अर्थात व्यवसायिक उपक्रम या फिर व्यापारिक क्रियाकलाप या फिर किन्हीं भी प्रकार के ऐसे क्रियाकलाप जो कि यहां पर सरकार के अतिरिक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हो, मतलब ऑल दोस काइंड्स ऑफ द एक्टिविटीज विच आर एक्चुअली जनरली डन अपार्ट और other than actually the, we can say the government, that is we called as the non-governmental activities, that we called as the private actually activities or the private administration, usse hum niji gatividhiyan ya fir niji prashasan ke naam se pukarte hain. Let's go fatafat, jaldi jaldi dekhiyega, I'm actually going to continue here. Okay, aur ek sabse khas baat dekhiyega zara please, it is also known as the governmental administration because the adjective public in the word public administration means government, as I explained. Hence the focus of public administration is on the public bureaucracy, that is the bureaucratic organization or the administrative organization of the government. Is that clear? Isse hi sarkari prashasan ke roop mein jana jata hai, yani ki lok prashasan ko hum sarkari prashasan ke roop mein bhi jante hain, kyunki lok prashasan shabd mein jo visheshan lok का अर्थ सरकार ही है, इसलिए लोक प्रशासन का ध्यान सार्वजनिक नौकरशाही यानी कि सरकारी नौकरशाही यानी सरकार के नौकरशाही संगठन या प्रशासनिक संगठन पर होता है. स्पेशली यहां पर हमारे पास में दरअसल अगर मैं कहना चाहूंगा तो बेसिकली यहां डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन आई से अबाउट द नौकरशाही यानी कि जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल. ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसको एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया है एक बहुत ही महानुभाव के द्वारा. ओके, सो वी विल डिस्कस एक्चुअली अबाउट दैट इन द सेपरेट क्लास, यानी कि अलग से हमारे पास में सेशन होंगे, उन पर हम बात करेंगे. काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कई प्रश्न सीधे यहां पर पूछे जाते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट. मैं एक्चुअली यहां से आगे बढ़ते जा रहा हूं, लेट्स सी हियर. ओके, अभी तक भी सेशन को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना मत भूलिएगा. आई एम कंटिन्यूइंग, लेट्स सी हियर. ओके, यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेट्स सी हियर. So when I say actually, अगर मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, so before actually I am going to continue and discuss public administration. So look सीनिगा. ओके, सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि लोक प्रशासन मतलब जो प्रशासन है, यानी कि जो बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको मैंने आपको समझा है कि व्हेन टू और मोर पीपल्स विद द कॉमन ऑब्जेक्टिव और द गोल गेट टुगेदर एट अ प्लेस, व्हाटएवर द एक्टिविटीज दे गेट डन विद देयर कॉमन एफर्ट्स, दैट वी कॉल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज और द एडमिनिस्ट्रेशन. जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक स्थान पर एक समान उद्देश्य के साथ में एकत्रित होते हैं तो उनके द्वारा किए जाने वाले सामूहिक कृत्य जो होते हैं उन्हें ही हम प्रशासनिक कृत्य कहते हैं, और उनके द्वारा किए गए कार्यों को प्रशासनिक कार्य के नाम से पुकारा जाता है. सो बेसिकली यहां पर बहुत साधारण सी बात है, व्हेन एक्चुअली यूज द वर्ड पब्लिक हियर, यानी कि जब लोक शब्द का प्रयोग किया इसका मतलब हुआ सरकार यानी कि गवर्नमेंट. सो व्हाटएवर एक्चुअली द एक्टिविटी इज डन बाय द गवर्नमेंट टू अचीव एनी कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी किसी भी एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं उसे ही हम लोक प्रशासन के कार्य कहते हैं. लेकिन सबसे खास बात आती है कि वेयर दे आर, आखिर वो कहां पर हैं. सो एक्चुअली यहां अगेन वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि काफी महत्वपूर्ण भाग पर मैं बात करना चाहूंगा. यहां हमारी बात होगी द नंबर ऑफ एक्चुअली स्कॉलर्स, फिर एक बार और कई विद्वान हैं जिन्होंने एक्चुअली अपने शब्दावलियों में लोक प्रशासन को समझाने का प्रयास किया. सो आई जस्ट फर्स्ट स्टार्ट विद द वुड्रो विल्सन. मैं सबसे पहले वुड्रो विल्सन से शुरुआत करूंगा. वुड्रो विल्सन, डू यू नो ही इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा यहां पर कि ओके, यहां पर जब बात करते हैं तो लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं वुड्रो विल्सन. ओके, लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं वुड्रो विल्सन. सो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा. सो वुड्रो विल्सन कहते हैं और वो खुद समझाते हैं कि व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन क्या. सुनिए, ही से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ. ओके, एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ द लॉ इज एन एक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. इज इट क्लियर? वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन विधि का विस्तृत और व्यवस्थित क्रियान्वयन होता है. विधि का प्रत्येक विशेष अनुप्रयोग प्रशासन का एक कार्य है. सो बेसिकली यहां पर उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि दरअसल एक्चुअली वो एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ यानी कि विधि या कानून के क्रियान्वयन पर बात करते हैं. लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिफोर एक्चुअली इट इज नॉट प्रॉपरली टू अंडरस्टूड व्हाट इज अ गवर्नमेंट. यहां पर हम तब तक इसको बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते हैं जब तक अगर हमें इस बात का अंदाजा ना हो कि सरकार क्या होता है. तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, प्लीज लुक इट हियर. ओके, इफ आई से अबाउट द गवर्नमेंट, अगर मैं सरकार की बात करता हूं, सो एनी ऑफ द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, ओके, एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कुड बी से एज द गवर्नमेंट. किसी भी संगठन को हम सरकार कहेंगे इफ दे हैव द थ्री इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, अगर उसमें तीन महत्वपूर्ण शाखाएं हैं. द फर्स्ट वी कॉल्ड एज द लेजिस्लेचर, यानी कि पहला हम जिसे कहते हैं विधायिका.
द सेकेंड वी कॉल्ड एज द एग्जीक्यूटिव, दूसरा हम कहलाते हैं कार्यपालिका, और तीसरा कहलाता है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। एक बात को बहुत इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखिएगा बिकॉज एक्चुअली इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो इट्स मेन फंक्शन इज द लॉ मेकिंग, सो ध्यान रखिएगा इट्स मेन फंक्शन इज वॉट लॉ मेकिंग, यानी कि इसका ओके मुख्य काम क्या है, विधि का निर्माण करना। इसका मुख्य कार्य होता है विधि का निर्माण करना। एंड द एग्जीक्यूटिव ब्रांच हैज इट्स मेन फंक्शन इज द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लॉस। यहां पर इनका मुख्य काम क्या होता है, जो भी कानून यहां पर विधायिका के द्वारा बना दिए गए हैं उनके क्रियान्वयन का कार्य कौन करता है, उनके क्रियान्वयन का कार्य यहां पर कार्यपालिका शाखा के द्वारा किया जाता है। जबकि जुडिशरी, न्यायपालिका की बात करते हैं, एक्चुअली इट ट्राइज टू एक्सप्लेन द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूशन डन बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। मतलब विधायिका के द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया गया है, कार्यपालिका जिन कानूनों का क्रियान्वयन कर रही है, एक्चुअली उनका व्याख्या करने का मुख्य काम कौन करता है, न्यायपालिका करता है। अब यहां समझिएगा वुड्रो विल्सन ने क्या कहा। वुड्रो विल्सन ने बड़ा क्लियरली बताया है, उनका कहना है कि पब्लिक एडमिशन इज व्हाट लोक प्रशासन क्या है। सो लोक प्रशासन, उनका कहना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। समझ रहे हैं, लोक प्रशासन विधि का विस्तृत और व्यवस्थित क्रियान्वयन है। सो बेसिकली यहीं पर बात आती है कि गवर्नमेंट में द मेन फंक्शन ऑफ द पब्लिक एडमिशन इज व्हाट, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। इट इज ओके, समझ में आया। तो क्या होता है, लोक प्रशासन का मुख्य काम क्या बताया, नीतियों का या फिर विधियों का, कानूनों का क्रियान्वयन करना, उनको लागू करने का काम विशेष रूप से कौन करता है, लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। इज दैट क्लियर, बहुत शानदार, जबरदस्त। सो प्लीज एक्चुअली इसी बात को लेकर के हमें आगे और अच्छे से समझेंगे। एलडी व्हाइट एक्चुअली ही इज वन ऑफ अनदर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर, दूसरे विद्वान है, उनका कहना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल थ्री दोज ऑपरेशंस हैविंग फॉर देयर पर्पस द फुलफिलमेंट ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। फिर एक बार और बात सुनिएगा, एलडी व्हाइट का कहना है बड़ा साधारण सी बात, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य शामिल होते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति यानी कि सरकारी नीति, सरकारी निर्णय, सरकारी कानून की पूर्ति या उनका प्रवर्तन कराना होता है, यानी कि उनको लागू कराना होता है। इज दैट क्लियर, फिर एक बार और वुड्रो विल्सन की भाषा दूसरे तरीके से बोलते हुए एलडी व्हाइट दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी, एक्चुअली आई एम जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू हियर। लूथर गोलिक, वन ऑफ द वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सप्लेन, सुनिएगा बड़े इंपॉर्टेंट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन which has to do with government and thus concern itself primarily with the executive branch. Samajh mein aaya? Where the work of the government is done through, there are obviously problems in connection with the legislative and the judicial branches. Wow, wow, kya baat hai? Luther Gulick keh rahe hain, lok prashasan, prashasan ke vigyan ka wo hissa hai, जो सरकार से संबंधित है और इस प्रकार मुख्य रूप से कार्यकारी शाखा से संबंधित है, जहां सरकार का काम किया जाता है। हालांकि विधायी और न्यायिक शाखाओं के संबंध में स्पष्ट रूप से समस्या है। मतलब बड़ी सिंपल है, बेसिकली यहां पर उधर गिरी का कहना है बड़े ब्रॉड एक्चुअली साइंस के साथ में, मतलब काफी विस्तृत यहां पर सोच रखते हैं लूथर गोलिक साहब। उनका कहना बड़ा साधारण है, उनका कहना है कि लोक प्रशासन का काम तो नीति के क्रियान्वयन से है, यानी कि इट्स मेन फंक्शन इज टू एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज एंड द लॉज। लेकिन उनका कहना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली देयर इज अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, कई प्रकार की समस्याएं हैं विद दैट ऑफ द एक्चुअली जुडिशियल एंड द लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज और द ब्रांचेस, यानी कि यहां पर न्यायिक या फिर विधायी शाखाओं के साथ में की जाने वाली क्रियाकलापों को लेकर के काफी कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं, आगे फिर मैं कहना चाहूंगा, वी हैव अ लॉट्स टू डिस्कस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग है। और दिनचर्या की बात करता हूं तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द सब्जेक्ट, यानी कि लोक प्रशासन एक ऐसा विषय है, विच आर एक्सपीरियंस्ड बाय द एवरी पर्सन इन देयर डेली लाइफ। कि हर व्यक्ति जो है अपने दिनचर्या में इस, अगर हम कहें तो, लोक प्रशासन का अनुभव करता है हमेशा, सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितनी बार इस लोक प्रशासन के साथ आप अपने दिनचर्या में टकराते हो। सो बेसिकली इन सब पर हमारी बात होगी इनटू द सब्सिक्वेंट क्लासेस, लेकिन जुड़े रहेगा, बने रहेगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा प्लीज, और जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। लेट्स सी लूथर गोलिक के बाद में हमारे पास नेक्स्ट एक्चुअली बात करते हैं हर्बर्ट साइमन। क्या कहते हैं हर्बर्ट साइमन, हर्बर्ट साइमन एक्चुअली ही इज नो, मतलब मैं आपको बता दूं आगे जाकर के हम बात करने वाले हैं, हर्बर्ट साइमन एक्चुअली इज आल्सो कॉल्ड एज द चैंपियन ऑफ द बिहेवियरल साइंटिस्ट, यानी कि व्यवहारवादी वैज्ञानिकों के चैंपियन कहलाते हैं हर्बर्ट साइमन।
बड़े जबरदस्त व्यक्ति हैं एक्चुअली, आगे जाकर के मैं बताऊंगा इनके बारे में जबरदस्त बात। सो प्लीज कंटिन्यू, इनका स्टेटमेंट देखिएगा पब्लिक एडमिशन को, तो इन्होंने भी समझाया है कैसे समझाते हैं, क्या बताते हैं, सुनिएगा जरा। बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मींट इन कॉमन यूजेज द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूशन ब्रांचेस, इज इट क्लियर, एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस, दैट्स ऑल, ऑन द नेशनल, स्टेट और द लोकल गवर्नमेंट्स, वेरी सिंपल। मतलब साइमन ने साफ साफ कहा है कि लोक प्रशासन राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर या स्थानीय सरकारों की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियों का सामान्य उपयोग होता है। अगेन द साइमन ऑल्सो से वेरी सिंपल थिंग, यानी कि साइमन ने भी कहा, क्या कहा, कि एक्चुअली टोटल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज में सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच, संपूर्ण सर्वांगण सरकारी क्रियाकलापों में केवल मात्र क्रिया यहां पर कार्यपालिका शाखा के साथ में जुड़ा हुआ है हमारा लोक प्रशासन, चाहे वो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वो स्टेट यानी कि राज्य स्तर पर हो, चाहे लोकल यानी कि स्थानीय स्तर पर हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑलवेज एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, यानी कि लोक प्रशासन हमेशा केवल मात्र कार्यपालिका शाखा के साथ जुड़ा होता है। इज दैट क्लियर? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, लेट्स सी हियर, आई एम जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू। ओके, यहां पर इसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि बाय एक्चुअली हैविंग द ऑल ऑफ द डेफिनेशंस, यानी कि सभी प्रकार की परिभाषाओं को देखते हुए, फेलिक्स निग्रो, एक्चुअली ही इज अ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, फिर एक बार और फेलिक्स निग्रो के अनुसार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। जैसे मैंने समझाया उस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा। इनका कहना है कि लोक प्रशासन क्या है, तो उन्होंने कहा द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट्स इन द पब्लिक सेटिंग्स। नंबर वन, एक सार्वजनिक व्यवस्था में एक सहयोगात्मक सामूहिक प्रयास है। दो, यानी कि कह सकते हैं कि सरकार में जितने लोग एकत्रित हैं, जितने लोग इकट्ठा हैं, सब मिलकर के जो एक कोऑपरेटिव एफर्ट्स करते हैं, जो एक सहयोगात्मक प्रयास करते हैं, एक्चुअली वही लोक प्रशासन है। नेक्स्ट, कवर्स ऑल थ्री ब्रांचेस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स। उनका कहना है कि ये तीनों शाखाओं यानी कि कार्यकारी, या फिर यहां पर कह सकते हैं कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और उनके अंतर संबंधों को शामिल करता है। यहां पर फेलिक्स निग्रो का कहना है कि बेसिकली बात जब एग्जीक्यूशन की ही है, यानी कि बात जब क्रियान्वयन की ही है, तो चाहे हम लेजिस्लेटिव ब्रांच की बात करें, चाहे एक्चुअली हम एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात करें, चाहे हम जुडिशियल ब्रांच की बात करें, मतलब चाहे हम विधायिका की बात करें, चाहे हम कार्यपालिका की बात करें, चाहे हम न्यायपालिका की ही क्यों ना बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट इनकी बात बड़ी सीधी सीधी है। उनका कहना है कि अगर बात सिर्फ क्रियान्वयन की है, ओके, इफ द पर्टिकुलर मैटर इज ओनली कंसर्न विद द एग्जीक्यूशन, ओके, एग्जीक्यूशन, सो इट इज कंसर्न विद द ऑल थ्री ब्रांचेस, तो इसका संबंध तीनों ही शाखाओं के साथ में है। क्यों? क्योंकि क्रियान्वयन तो विधायिका में भी किया जाता है, क्रियान्वयन तो कार्यपालिका में भी होता है और न्यायपालिका में भी होता है। सो व्हाट एवर द डिसीजन दे टेक, व्हाट एवर द पॉलिसी दे फॉर्मुलेट, यानी कि जो भी निर्णय इनके द्वारा लिए जाते हैं, जिन नीतियों का निर्माण किया जाता है, एक्चुअली इनके क्रियान्वयन का कार्य लोक प्रशासन, सार्वभौमिक है ना, यूनिवर्सल है, तो हर कहीं है, हर कहीं है, और हर तीनों ब्रांचेस में रह करके वो सिर्फ क्रियान्वयन के कार्यों से जुड़ा हुआ है। Is that clear? बहुत शानदार, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। ओके, और मैं एक बार बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा कि साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा कि हाउ डू यू फाइंड द एक्चुअली सेशन कैसा लगा, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और एक्चुअली डेफिनेटली अगर आप लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। दैट्स गुड, सो ग्रेट, कंटिन्यू। लेट सी, has an important role in the formulation of the public policy and is thus part of the political process. Is it clear? सार्वजनिक नीति के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्माण करता है, और इस प्रकार यह राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा भी है। क्योंकि एक सबसे खास बात आती है कि that not only actually do the execution, I say, वो केवल मात्र क्रियान्वयन नहीं करता, बट दैट हेल्प्स आल्सो फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि ये नीति निर्माण में सहायता भी करता है। बड़ा सिंपल है, मतलब अगर आपको निर्णय लेना है, कैसे लिया जाए, कौन सा लिया जाए, कितने विकल्प हो, यानी कि व्हाट द अल्टरनेटिव्स शुड बी ओवर देयर, हाउ टू टेक द डिसीजंस, ओके, व्हाट वुड बी द डिसीजन बेस्ट फॉर यू, दैट आल्सो सजेस्ट बाय द पब्लिक एडमिशन टू यू, यानी कि लोक प्रशासन इसका सुझाव भी आपको देता है। और यही कारण है कि दैट आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, और यही कारण है कि वो सार्वजनिक नीतियों के निर्माण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। लेट सी द नेक्स्ट, आई एम जस्ट कंटिन्यू। इट इज डिफरेंट इन सिग्निफिकेंट वेज फ्रॉम द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द कम्युनिटी, यानी कि निजी प्रशासन से समुदाय को सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण रूप से यह भिन्न है। मतलब डेफिनेटली देयर इज अ वेरी ग्रेट डिफरेंस
बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यहां पर निजी और लोक प्रशासन में बहुत बड़ा अंतर है। इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इट्स एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस, यानी कि इनकी अपेक्षाएं और इनके उद्देश्य, इज दैट क्लियर? दोनों में बड़ा अंतर है, लेकिन एक्चुअली वी डू नॉट डिस्कस द कंपैरिजन और द डिफरेंस सिमिलैरिटी बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। लोक और निजी प्रशासन के बीच में यहां पर कह सकते हैं कि अंतर या तुलना पर या फिर समानता पर आवाज इस सेशन में बात नहीं करेंगे। मैं इसके लिए अलग से यहां पर एक्चुअली एक दूसरा सेशन लेकर के आऊंगा, लेकिन मेरे साथ में बने रहेगा। आई एम जस्ट कंटिन्यू, लेट्स सी हियर, वी आर डिस्कसिंग, मैं अगेन एक बार बता दूं, वी आर कंटिन्यू डिस्कसिंग ऑन द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के अर्थ पर ही बात हो रही है हमारी। आई एम कंटिन्यूइंग हियर, लेट्स सी हियर। सो इन दिस वे द टर्म पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज यूज्ड इन टू सेंसेस। ओके, नंबर वन वी कॉल्ड एज द वाइडर सेंस, नंबर टू वी कॉल्ड एज अ नैरोवर सेंस। ध्यान से सुनिएगा, इस पर जनरली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सीधे प्रश्न होते हैं। इस प्रकार लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है, अर्थात व्यापक अर्थ में और संकुचित अर्थ में। इज इट क्लियर? संकुचित जिसे हम कहते हैं संकीर्ण अर्थों में, ठीक है ना? दैट्स गुड। सो बेसिकली किस तरीके से, फर्स्ट एक्चुअली वी डिस्कस ऑन द वाइडर सेंस। सबसे पहले हम व्यापक अर्थ में बात कर लेते हैं। व्यापक का मतलब देखो सुनो जरा बड़ा आराम से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल थ्री ब्रांचेस। ओके, प्लीज कंटिन्यू, लेट्स सी हियर, ऑल थ्री ब्रांचेस, इज इट क्लियर? ऑल थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, ओके, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इज इट क्लियर? सो ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड दिस व्यू हैज बीन टेकन बाय द वुड्रो विल्सन, एलडी व्हाइट, मार्शल ए डिमॉक एंड फेलिक्स एनिग्रो एंड फिफना। ओके, सो दिस पर्सनालिटीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, व्यापक अर्थ में बात की गई कि लोक प्रशासन में सरकार की तीनों शाखाओं, बात समझ रहे हैं, सरकार की तीनों शाखाओं को शामिल किया जाता है, अर्थात विधायिका, ओके, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मतलब समझ में आ रहा है, ये तीनों की तीनों किस में आ जाएंगे? व्यापक अर्थ में, वाइडर सेंस में एक्चुअली हम तीनों को शामिल करते हैं। गेटिंग हियर? ओके, की गतिविधियां शामिल होंगी और यह विचार वुड्रो विल्सन ने, एलडी व्हाइट ने, मार्शल ए डिमॉक ने, फेलिक्स निग्रो ने और फिफनर के द्वारा लिया गया है। और उन्होंने कहा है कि एक्चुअली द पब्लिक एडमिशन वर्क्स एंड एक्चुअली इट शो द वाइडर सेंस, यानी कि द मीनिंग, यानी कि इनका अर्थ जो है वो काफी विस्तृत है, जो सभी शाखाओं से जुड़ा हुआ है, सरकार के हर क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ जब हम बात करेंगे नैरोवर सेंस, यानी कि संकुचित अर्थों में। सो लेट सी हियर, सो नैरोवर सेंसेस यानी कि संकुचित अर्थ में बात करते हैं, कौन एक्चुअली किस तरीके से बात हो रही है। ओके, दैट इंक्लूड्स, ओके, ओनली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, बात समझ में आ रहा है, ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के केवल कार्यपालिका शाखा के कार्यों को ही वह सम्मिलित करता है। मतलब एक्चुअली फिर एक बार, ओके, वी प्रॉपरली जस्ट गो थ्रू द रनिंग मैटर, लेट सी हियर। ओके, सीधे सीधे हम यहां पर वाक्यों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, समझ लेती है। बाय द नैरोवर सेंस इंक्लूड्स द एक्टिविटीज ऑफ द ओनली एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, एंड दिस व्यू हैज बीन टेकन बाय द साइमन लूथर गुलिक, ऑडवेटेड, हेनरी फियॉल एंड विलोबी। ओके, मतलब यहां पर संकुचित अर्थों में लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार की केवल कार्यपालिका शाखा की गतिविधियों को ही शामिल किया जाता है, और यह विचार जो है हमारे पास में हर्बर्ट साइमन ने, लूथर गुलिक ने, या फिर ऑडवेट रीड ने, हेनरी फियॉल ने, या फिर एक्चुअली डब्ल्यू एफ विलोबी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया हुआ है। सो ग्रेट ऑफ यू, सो प्लीज एक्चुअली फिर एक बार और मैं कहना चाहूंगा, आई रियली वेरी थैंकफुल टू यू आज के सेशन के लिए। और ध्यान रखिएगा, इजीली एग्जाम क्रैक। सो बेसिकली इस पर एक्चुअली मैं फिर से कहना चाहूंगा कि सेशन को, ओके, लाइक करना मत भूलिएगा, और सेशन को एक्चुअली यहां पर अगर अभी तक भी अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। फिर एक बार और मुलाकात होती है बहुत तेजी से, ओके, ऐसे ही पब्लिक एडमिशन के कुछ सेशन के साथ में। अभी शुरुआत पब्लिक एडमिशन के साथ में, लेकिन आगे जाकर के जनरल स्टडीज के काफी टॉपिक्स पर हमारी बात होगी। वी जस्ट गो टू डिस्कस ऑन द हिस्ट्री, देन एक्चुअली वी डिस्कस ऑन द ज्योग्राफी, देन वी डिस्कस ऑन द इंडियन पॉलिटी, और फिर एक्चुअली काफी कुछ, यानी कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर हमें बात करना अभी बाकी है, लेकिन श्रृंखला शुरू है। ओके, मतलब बात अभी शुरू हुई है जो दूर तलक हट जाएगी। सो टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, मुलाकात होती है फिर एक बार, बाय एंड ऑल द बेस्ट।